हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? आई होप बढ़िया होंगे। जल्दी से मुद्दे पे आते हैं। सबसे पहले उन लोगों को बहुत बहुत बधाई जिन्होंने भी कल सक्सेसफुली जीके टेस्ट और वीडियो सबमिशन का जो भी टेस्ट था वो सक्सेसफुली कंप्लीट किया। अभी जल्दी से मुद्दे पे आते हैं, मैं तीन बातें आपको आज बताने जा रहा हूँ। अच्छा लगेगा तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को आप जरूर से जरूर दबा देंगे सो दैट कि आने वाले वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाए। पहली बात, बहुत सारे लोगों ने ये कहा है कि उनके साथ डिस्क्रिमिनेशन हुआ है जस्ट बिकॉज कि फोर क्वेश्चंस जो थे वो उनको बिल्कुल हूबहू इस बार भी आ गए जो कि 30 मई को पूछे गए थे। तो उनके साथ भी हुआ है डिस्क्रिमिनेशन, जिनके पिछले साल के वीडियो सबमिशन के 6 क्वेश्चंस थे जिनमें से 5 क्वेश्चंस तो आपको ऑलरेडी पहले से ही पता थे। एक ही क्वेश्चन चेंज था ना कि आपको 3 चीज़ें ऐसी बतानी है जो कि जिसके बिना आप नहीं रह सकते वगैरह वगैरह, इतनी थी ना। तो डिस्क्रिमिनेशन तो उनके साथ भी हुआ है, ऐसे नहीं होता है। डिस्क्रिमिनेशन वाला खेला भी मत खेलें, मैं आपको बता रहा हूँ रीजन के साथ। डिस्क्रिमिनेशन इसलिए भी आपके साथ नहीं हुआ है क्योंकि कितने लोगों का आखिर पहले जो 30 में वाला हुआ था इशू, उसमें कितने लोगों को प्रॉब्लम हुई थी? 10 में से 1, 10 में से 2, चलिए मान के चलते हैं 10 में से 3 लोगों को, ठीक है। 10 में से 3 लोगों के साथ अगर हुआ भी तो 10 में से 7 लोगों के साथ तो ठीक ही हुआ, वो अच्छे से सबमिट कर पाए वीडियो जीके वगैरह सबमिट कर पाए और इस तरह से जीके वगैरह सबमिट करने के बाद वीडियो सबमिशन उनका हो पाया, ठीक है। तो इस हिसाब से आप समझो तो 70 से 80% अभी भी आपके सीट्स जो हैं वो आपके पास ही हैं। तो चिंता मत कीजिए, इसके लिए कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं हुआ है, पहली बात ये हो जाती है। इसलिए अगर आपको कॉल अगर आएंगी तो आपके पास पूरे पूरे चांसेस है कि सबसे ज़्यादा कॉल उन्हीं 30 जिन्होंने 30 मई को दिया था, इसलिए चिंता मत कीजिए। और कब तक कॉल आ सकते हैं ये बात को आप देख लीजिए, 20 मई से पहले पहले तक आने की चांसेज हैं। देखिए 20 मई तक आने की चांसेज है, वजह ये है क्योंकि अगर केबीसी टीम ने ऑलरेडी 70 से 80% लोगों को सिलेक्ट कर लिया या फिर करना भी है तो भी वो पहले 30 मई वाले से ही करेगी, आई एम 100% श्योर, पहली बात। तो ये जो 70% लोगों को अगर सिलेक्ट करती है तो उसी से करने के चांसेज है क्योंकि वहाँ पर ज़्यादा तादाद में लोग शामिल भी हुए थे कल के मुकाबले, ये तो हम सबको पता है। दूसरी बात ये कि अगर आपका मान के चले कि सिलेक्शन हो भी जाता है तो आप ज़्यादा दिन तक अभी भी इंतजार ना करते रहें, अपने मोबाइल का रिचार्ज वगैरह करवा करके रख लें, सब कुछ नंबर वगैरह देख लें, हो सकता है कभी भी कॉल आपको आ सकती है। और जिन लोगों को ये लगे कि अभी कैसे कॉल आ सकती है, देखिए कभी भी जीके क्वेश्चन के लिए ज़्यादा मेहनत तो करा नहीं गया है, ये बात तो आपको पता चल चुका है। ये नहीं कि 10-30 में से लेकर के ये जो 11 जून तक कोई भी ज़्यादा एक्सपर्ट लोग उनके व्यस्त तो कभी भी नहीं रहे होंगे जीके क्वेश्चंस के लिए, अगर रहे हैं तो ये 4 क्वेश्चंस हैं हूबहू कैसे आ गए। ये पूरी चांसेस है कि आपका आपके जो जो भी वीडियो वगैरह है उसको भी देखे जाने के बारे में बात चल रही होगी या फिर देखा भी होगा, ऑब्वियसली बात है, हो सकता है फाइनलाइज भी कर लिया होगा, कुछ लोगों का फाइनलाइजेशन अभी बचा हुआ है, कुछ भी हो सकता है। तो मोस्ट लाइकली कि आपको 20 से पहले पहले तक आपको कॉल आ जाएंगे तो अपने स्मार्टफोन के साथ ज़्यादा से ज़्यादा समय बिताएं। दूसरी बात, वीडियो सबमिशन पर हम जल्दी से आते हैं। देखिए मैं 30 मई और को जो हुआ था जीके टेस्ट और वीडियो सबमिशन उस पर मैंने वीडियो इस पर मैं बात नहीं करने जा रहा हूँ आपको, क्योंकि उसके लिए मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बनाया था, उस वीडियो को आप देख सकते हैं जिसमें मैंने आपको ईमानदारी से बहुत अच्छे से समझाया था कि किस प्रकार से अगर आपने वीडियो सबमिट किया होगा और कितने वीडियो सबमिट किया होगा, कितने जीके में क्वेश्चन सही हो रहे हैं तो आपको चांसेस बनते हैं। इसमें मैं बताऊंगा कि कल क्या क्या वीडियो सबमिट में अगर आपने किया तो कैसे चांसेस बनते हैं और जीके में अगर कोई अभी भी चांसेस हैं कि नहीं 4 क्वेश्चन हूबहू आने के बावजूद। देखिए सबसे पहली बात, अगर आपने वीडियो सबमिट अच्छे से कर लिया कल क्या 6 का 6 आपने कर लिया या फिर चलिए 5 भी किया मान के चलिए, पूरे पूरे चांसेज आपको बनते हैं। क्यों? बशर्ते अगर आपने उसमें कॉन्फिडेंटली बोला हो, कॉन्फिडेंटली बात करने का तरीका, क्योंकि आप दूसरे को इम्प्रेस कैसे किया हो वो बताया हो आपने, तो वो आपको चांसेज हैं कि वो आपको सिलेक्ट कर लेंगे क्योंकि आपके पास कोई भी कॉल आने के चांसेस सिर्फ और सिर्फ तभी बनते हैं जब उनको टीआरपी का फायदा होगा। क्यों? अगर आप वीडियो
में अच्छा बोलते हैं, यानी कि आप अच्छे बोलने वाले हैं, आप थोड़ा सा हंसमुख टाइप के हैं, या फिर आपकी कहानी कुछ ऐसी है, तो क्या होगा कि इसे ऑडियंस का अटेंशन जो होता है ग्रैब होता है। और जब भी ऑडियंस का अटेंशन ग्रैब होता है तो उनसे उनको क्या फ़ायदा होगा, उससे क्या होगा कि जब भी वो एड्स वो दिखाते हैं तो वो उस हिसाब से उनको पैसे मिलते हैं। तो ये सारा खेल जो होता है TRP और मनी वगैरह का हो जाता है। इसलिए वो हमेशा ही कोशिश करते हैं कि एक अच्छा से अच्छा बोलने वाला इंसान को चूज किया जाए, भले वो पुरुष या महिला हो। ठीक है, इस हिसाब से अगर आपने कॉन्फिडेंटली बात किया होगा अपने वीडियोस में, पूरे चांसेस है कि आपका सिलेक्शन होगा, नो डाउट। इसलिए आपने अगर आपने चार वीडियोज भी अगर आपके सबमिट हुए और अगर वो चारों के चारों देख लेते हैं तो पूरे चांसेस है कि उस वक्त भी आपके सिलेक्शन के चांसेज होंगे। इसलिए जिनका कमी हो पाया होगा वो भी निराश ना हो। मैं आपको फिर से बोलता हूँ, अपने स्मार्टफोन के साथ समय बिताएं, पूरे चांसेस है कि आपका सिलेक्शन होगा। आते हैं तीसरी बात पर जल्दी से। ये GK क्वेश्चंस में जो भी ऑलरेडी आपके पास चार क्वेश्चंस तो ऑलरेडी पता ही थे आपको, तो आप ऑलरेडी अगर अपने दिमाग में भी अगर आप काउंट करो तो 20 में से काउंट मत करो, मैं कहूँगा कि 16 में से आप काउंट करना सीखो। इससे क्या होगा कि आपको पूरी तरह से रियलिटी आपको पता चलेगी कि आप कितना सही कर रहे हो। इसलिए अगर जिसके भी 12 सही हुए हैं, 13 सही हुए हैं, वो 4 घटा कर अपने आप को गिने, और गिनने का तरीके होना चाहिए कि 8 out of 16 इस हिसाब से दिमाग में रखें। इस हिसाब से भी अगर आप रखते हैं तो 16 में से अगर आपके 8 सही हो जा रहे हैं, पूरे चांसेस है कि आपका सिलेक्शन होगा, बस रखते आपने वीडियो अच्छे से सबमिट किया हो और अच्छे से बोला हो। इसे निराश मत हो, आपका पूरे चांसेस है कि आपका आपको भी कॉल आ सकती है। इसलिए आप अपने मोबाइल के साथ समय बिताएं, रिचार्ज वगैरह करवा करके रखे रहें, पूरे चांसेस है कि 20 से पहले ही आपको कॉल आ सकती है, क्योंकि उनके पास अभी भी ज़्यादा वक्त जो भी था उन्होंने 30 में से 11 जून के तरफ उन्होंने ऑलरेडी डेडिकेट कर दिया उस वक्त को। ठीक है, और एक सोर्स के मुताबिक जो मैंने एक वीडियो भी बनाया था कि जिसके मुताबिक अगस्त से ही शुरू होने की चांसेज हैं KBC, इस हिसाब से उनके पास समय भी बहुत कम है, क्योंकि 800 लोगों का अगर सिलेक्शन करना भी है, 800 लोगों का, तो आप सोचो कि यार अगर वो प्रत्येक दिन इंटरव्यू भी लेना शुरू करे, जब पर्सनल इंटरव्यू के लिए कॉल है, प्रत्येक दिन वो 10 लोगों का भी इंटरव्यू लेते हैं, तो उनके पास 80 दिन फिर लेना पड़ेगा, उनको 80 दिन फिर उनको चले जाएंगे, तो 80 दिन मतलब कि 2 महीने से ज़्यादा। आप सोचो कि जून के अंतिम से लिया जाएगा तो 2 महीने मतलब सितंबर तक लगभग हो जाएगा, अगस्त के अंतिम तक मान के चलते 20-20 लोगों का भी इंटरव्यू लेती है, तो भी आप सोचे कि उसके लिए एक्सपर्ट्स वगैरह को बुलाना, और 20-20 लोगों का अगर करती भी है तो वो 40 दिन आपको लग जाएंगे। 40 दिन मतलब कि जुलाई से शुरू अगर की भी जाए या फिर जून के अंतिम तक शुरू की जाए, तो भी आपको समझिए कि पूरे जुलाई के खत्म होने तक या फिर अगस्त के शुरू होने तक चले जाएंगे आपको। इस हिसाब से समझो कि फिर फास्टर फिंगर फर्स्ट तक कब बुलाया जाएगी आपको वगैरह वगैरह। तो इस वजह से मुझे ऐसा लगता है कि कॉल आपको जल्दी ही आएंगे, उसके लिए चिंता मत करें। आप ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करें कि आप अपने साथ स्मार्टफोन को रखें और उसको मिस मत करें कॉल को, पहले अटेम्प्ट में कॉल को कोशिश करें कि पहले अटेम्प्ट में ले। सो दिस इज माई हम्बल रिक्वेस्ट एज वेल। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दें। अपना ख्याल रखें, स्टे होम स्टे सेफ। अपना वैक्सीन अगर आपने नहीं लगवाया तो लगवा लें, मैंने लगवा लिया, और पढ़ते रहें, कुछ ना कुछ नया हमेशा सीखते रहें। दिस ऑल फ्रॉम माई साइड, थैंक यू।